चांद ले आए? असंभव। ध्रुव ने जो भी उपाय सोचा है, हमें उनसे पहले रानी सा के सामने चांद लाना होगा। चांद, चांद तो आधा भी होता है, अवश्य होता है। इस चांद को पूरी तरह तैयार किया जाए। हम अभी इसी क्षण इसे रानी सा के सामने प्रस्तुत करेंगे। जी जी हुकुम। आप छत पे बुलाइए सबको। हम रानी सा के सामने इस चांद को आकाश से धरती पे उतारेंगे। चांद को देखते ही रानी सा चांद आरती पूरी कर लेंगी और अपना व्रत खोल लेंगी। फिर हम उनके साथ अपनी हल्दी की रस्म पूरी कर लेंगे और विवाह आरंभ करेंगे। अब उन्हें अपना बनाने के लिए हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते मीनाक्षी। तारा चांद मिल गया, चांद मिल गया, चांद चांद मिल गया। तारा चलो, तारा तारा तुम चलोगे ना मेरे साथ चांद देखने? चांद का है? तो इधर वेट करो, आ रहे आ रहे आ रहे। कुछ नहीं है इनके पास। मन बहला रहे हैं बस आपका। परंतु आपकी जिद अवश्य पूरी होगी। ध्रुव द्वारा नहीं, हमारे द्वारा। जो असंभव था हमने संभव कर दिया आपके लिए रानी सा। आकाश से चांद तोड़कर धरती पर ले आए। अब तो आप अपनी भूख हड़ताल समाप्त करके भोजन ग्रहण करके व्रत खोलेंगी ना रानी सा? उसके पश्चात हम और आप पूरे विधि विधान से हल्दी की रस्म संपन्न करेंगे। रानी सा, हो रहा चांद। चांद, लेकिन ये तो चूर चूर हो गया। बिल्कुल आपके घमंड की तरह। तो ये ध्रुव कौन सा आकाश से चांद तोड़कर धरती पे ले आए? हम हारे हैं पर जीत इनकी भी नहीं हुई। कोई ला नहीं सकता। जो आपने मांगा है वो असंभव है। अंकल जी, आपके चांद की तो चिट्टी पिट्टी गुल होगी। हम मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी वो देखो चांद आ गया, चांद आ गया। चांद चांद देखो तारा, वो आकाश में है मूर्ख। आकाश से चांद धरती पे लाने की बात हुई थी, जो नहीं किया आपने, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। मैं चांद को अपनी मैं अपनी तारा के पास ले आया हूं। तारा, तुम्हें दिखाता हूं, चलो चलो।
ये देखो। तारा देखो, जैसे तुम भगवान जी की मूर्ति को भगवान समझ के वो जो जैसे वहां रखी हुई है ना, भगवान समझ के ऐसे करके मंत्र और आरती करती हो, क्योंकि उस मूर्ति में असली वाले भगवान जी की छवि है, तो मूर्ति भी भगवान हुई ना, वैसे ही ये पानी में जो चांद है ये असली वाले चांद की छवि है, तो ये भी तो चांद हुआ ना। तुम्हारे पास मैं चांद ले आया, अपनी तारा के लिए चांद। तुम खुश हुई? हाँ, चांद ले आया मैं। देखा आपने, सुना आपने, ये होता है सच्चा प्यार, जो अपनी सच्चाई के दम पर असंभव को संभव करके और रैया कर देता है। आई समझ? अपने धन संपत्ति, अपने सामर्थ्य के दम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की और मुंह की खाई, लेकिन ये सच में मारी परवाह थी, मारी चिंता थी, पूरे मन से मारी इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सफल रहे। आई समझ? और तुम ध्रुव? हाँ तुम? क्या लगा थारे को तुम कुछ ना कर सकते, हमारे लायक ना हो? तो ये किसने किया, कौन लाया हमारे लिए चाल? और ये राजा जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कुछ ना कर पाया, लेकिन तारे प्रेम ने वो सब कर दिखाया। तारा मैं हूँ तो बच्चा जैसा ही ना, मेरे को सब लोग कहते हैं बाल बुद्धि बेवकूफ, क्योंकि वो तारे से जलते हैं ध्रुव, क्योंकि हर बार 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 वो सब कर जाते हैं जो दुनिया का और कोई मर्द नहीं कर सकता। ध्रुव, इन लोगों की उल्टी जुल्टी बातों पर विश्वास करना बंद करो और खुद पर भरोसा करना शुरू करो। पता है क्यों? क्योंकि मारे को अपने ध्रुव पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हमारे लायक ठीक, फिर मारी भी एक बात सुन लो, तुम ये जीवन साथी और मारे लिए मारे ध्रुव से अच्छा जीवन साथी और कोई ना हो सकता, कभी ना हो सकता, और ये बात मैं 10 बार करूंगी, 1000 बार करूंगी, टंके की चोट पर करूंगी, लेकिन करूंगी। तारे से जबरदस्ती भी ना करूंगी ध्रुव, हमारे दिल की बात सुनने के बाद भी तुम्हें हमारे को छोड़कर जाना है? हाँ। तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं।
ने कही ना कि मैं बेस्ट हूँ, तो मैं बेस्ट हूँ तारा, मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं मान लिया, पर तारा मैं बेस्ट हूँ तब तक हूँ ना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि मैं ना तुम्हें ना कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए मैं बेस्ट रहूं, मैं बेस्ट रहूं। ओ तारा 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 मूनलाइट डिनर करें। क्या करे? मूनलाइट डिनर तो चांद की रोशनी के नीचे खाना खाए, पेट में बहुत चूहे कूद रहे होंगे ना तुम्हारे, मेरे भी कूद रहे, खाए खाए खाए। खा तो लेना चाहिए, मैंने नहीं खाया है, तुमने भी नहीं खाया होगा। मैं लेकर ये ले रहा हूँ, ठीक है? अति उत्तम, जैसे भी हो आपकी भूख हड़ताल समाप्त हुई। अब बिना किसी झिझक पूरे मन से आपके साथ हल्दी की रस्म पूरी कर सकते हैं हम। हम भी देखते हैं कौन रोकेगा हमें। नीचे आप गिरी चुके हो प्रताप बना, थोड़ी सी लाज शर्म बची हो तो बिना कुछ कहे सुने अठे से चले जाइए। हल्दी ना हुई ना सही, अब सीधे विवाह होगा। 8 पहर के भीतर भीतर आपको अपना बना के रहेंगे रानी सा, हमेशा हमेशा के लिए। आपका आभार, आपने मारे को सही तरीका सुझा दिया। वो ध्रुव बाबू को सीधे सीधे बोलते ना, मारे को छोड़कर मत जा, पक्का जाते। लेकिन आपके उपाय ने उनको रोक भी लिया और उनका आत्मविश्वास भी उन्हें वापस दिलवा दिया। रानी सा,
रानी सा, आप यहाँ अंधेरे में अकेले में किससे बातें कर रही थी? रानी सा कौन है जी आप? तो प्रश्न कौन पूछेगा जी आप? तो बताओ क्या करने आए हो आप यहाँ पर? हम तो आपको ले जाने आए थे। ये किसकी विवाह की तैयारी हो रही है? आपके और हमारे। चांद रानी सा, अब ना कोई चांद चकोर का खेल होगा, ना हल्दी मेहंदी ना संगीत, सीधे सात फेरे और विवाह संपन्न। इस विवाह में बाराती होंगे, पूरा राज परिवार, हमारे शौर्य बना और वो बालक बुद्धि ध्रुव, हमारी दुल्हनिया को तैयार करके लाए। आप और हम शिवाला है इसलिए नए वस्त्र दिए गए हैं। हम दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं ना? घनिष्ठ मित्र जैसे। तुमसे एक बात पूछती हूँ, ठीक है? ये जो तुम शादी में हम बन रहे हैं वो वो जो सैफल क्यों बन रहा? तो आप भी नहीं पता बाबा ने बस कितना कहा, ये विवाह है तो हम दोनों सिपाला है। चलो भाई साहब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बाबू साहब। हुकुम इस प्रकार बलपूर्वक विवाह कैसे कर सकते हैं? वो देवगढ़ के राजा है, जो चाहे कर सकते हैं। भाई साहब ने आप सबके लिए दो संदेश भेजे। पहला, जो उनके निर्णय में उनका साथ कोई देगा उसे वो अपना विरोधी मानेंगे। तो मान ले हमें अपना विद्रोही, परंतु हम इस अनर्थ में उनका साथ कभी नहीं देंगे। और दूसरा संदेश क्या है? जो भाई साहब का विरोध करेगा उसे नजरबंद कर दिया जाएगा। हम तो हुकुम के साथ हैं, हम तो पहले से हुकुम के साथ हैं। मीनाक्षी बाईसा को पूरे मान सम्मान के साथ उनके कक्ष में नजरबंद कर दिया जाए। रुके, 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 रुके। छोड़े उन्हें, मान बना कई करने जा रहे हैं आप? आप अपनी बहन को नजरबंद करेंगे? क्षमा कीजिए बाबा साहब, परंतु ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं है, ये भाईसा का आदेश है। और इसी बात का दुख है हमें कि आपके भाई साहब इस हद तक गिर गए कि वो अपने परिवार जन को नजर बंद करने के लिए आदेश दे रहे। बाबू साहब, ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने उन्हें राजा बनाने का निर्णय लिया था। दूंगी अपने, लेकिन आपसे विवाह ना करूंगी। इस साथ फेरे तो क्या एक फेरा भी ना लूंगी। आई समझ? रानी सर, आपका रंग रूप चेहरा मुस्कुराहट आवाज सभी कुछ प्राणों से अधिक प्रिय है हमें, परंतु ये बोल जो आप बोल रही हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं, क्षमा कीजिएगा। इन्हें मंडप लेके आइए, अभी के अभी हम इनके साथ साथ फेरे लेंगे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.